सब जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के इस्कॉन मंदिर पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और मंदिर को, मंदिर में क्या कुछ मिलता है हम लोग कोशिश करते हैं पूरी व्यू देखने का, पूरे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि ऑलमोस्ट ये 100 करोड़ का ये बना हुआ मंदिर है, लगभग जो है 12 साल लग गए इस मंदिर को बनाने में। और मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, सबसे पहला इस्कॉन टेम्पल जो है न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया था और स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बनाया गया था, और चल करके दिखाएंगे और देखेंगे भी हम लोग। तो चलिए बने ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। पूरी तरह से लाइट से दुल्हन की तरह सजा दी गई है मंदिर को, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये दृश्य। मंदिर जो है सबसे बिहार में सबसे बड़ा मंदिर है ये, और पुली यह मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं पुली जो है बनाया गया है, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये। मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के जस्ट ग्राउंड में हॉल है, और इस हॉल को यूज़ किया जा सकता है मेरे हिसाब से भविष्य में कोई कार्यक्रम वगैरह हो। और सामने देख सकते हैं वो स्टेज है, स्टेज बन गया। देखिए जस्ट मंदिर के फर्स्ट फ्लोर वाले छत पे जब आप पहुंचेंगे तो देखिए दृश्य। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इस फ्लोर पे आप करते हैं तो काफ़ी स्पेस है, और इसी में ही मंदिर है। और मंदिर में देखिए अभी कुछ कार्यक्रम होने वाला है। देखिए शंखनाद होने वाला है, शंखनाद हो चुका है, भगवान का पट जो है खुलने वाला है, शंखनाद स्टार्ट हो चुका है। आप होंगे शंखनाद की गूंज काफी, देख लीजिए सिर्फ पिताजी पिताजी लोग आप लोग अपना जगह बनाइए, मतलब इतना ये राधे कृष्ण जी आप लोग कष्ट मत उठाइए, ठीक है, अपना जगह बना लीजिए। आप लोग मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूसरा भी दिख सके, और आप देख सकते हैं हरे कृष्ण राम लक्ष्मण और माँ सीता भूतले श्रीमते भक्ति बेटर है।
दर्शन कीजिए भगवान का। आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।